स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 1। पहले की जो वीडियो में मैंने आपको 6 वीडियो अभी तक दे चुकी हूँ, उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। ओके, लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज द फॉलोइंग नंबर। आपको इसमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, 9 की प्लेस वैल्यू हम इसमें नंबर्स में फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन फॉलोइंग नंबर्स। आपका जो नंबर्स गिवन है वो क्या है, 8, 9, 0, 6। अब इसमें इसकी 9 की जो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या देखेंगे इसमें कि 1s, 10s, 100। जो 9 है वो आपका 100 प्लेस पे है। 9 कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 100 प्लेस पे आ रहा है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 900। एक तो आप इस टाइप से भी काउंट कर सकते हैं। एक सेकंड मेथड क्या है, 9 लिखा हुआ है, 9 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी, तो 9 के बाद ये जो 9 है, 9 के बाद कितने डिजिट है वो काउंट करें, 1 and 2। तो 9 का एड करके हम कितने जीरो लगा देंगे यहाँ पर, 2 0। इस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 20,698। अब इसमें भी हमको 9 की वैल्यू, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ही हमारा ये है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, मतलब हमको 9 की पूछा है। तो 9 जहां पे वहां इंडिकेट करिए, ये 9 की प्लेस है। जब हम काउंट करते हैं, कल मैंने आपको काउंटिंग सिखाई थी नंबर सिस्टम में, तो जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं, 1s बोलते हैं। सेकंड डिजिट को क्या बोलते हैं, हम 10s बोलते हैं। तो जो 9 है वो कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 लिखने 90, क्या लिखेंगे 90। बट दूसरी मेथड क्या है, जैसे 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहे हैं। तो 9 लिख के 10 आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 90। उसमें आपको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 90। क्या आ जाएगा, 90। अब इसमें 38,60,349। अब यहाँ पे 9 कहां पर है आपका, 9 देखिए आप, 9 की प्लेस कौन सी आ रही है, कल मैंने आपको सिखाया था नंबर सिस्टम में 1s प्लेस पे, कौन सी प्लेस पे, ये 1s प्लेस पे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कितनी हो जाएगी, और अगर हम काउंटिंग करें तो 9 के बाद कोई डिजिट दिख रहा है क्या आपको इसमें, नहीं है, कोई सा भी डिजिट इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगी, 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 9। सिर्फ क्या राइट करेंगे आप इसमें, 9। ओके, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन 96। कितना आ रहा आपका, 9,64,982। अब इसमें जो 9 की प्लेस है काउंट करते हैं, हम कहां पर आ रही है, 1s, 10s and 100। मतलब 9 कौन सी प्लेस पे आ रहा है आपका, 100 प्लेस पे आ रहा है। कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 100 प्लेस पे आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, क्या लिखोगे आप इसको, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। पहले आप काउंट करेंगे, देन आपको राइट करना है। ओके, 900। और एक और दूसरी मेथड मैंने आपको सिखाई है, 9 है, पहले 9 को इंडिकेट कर लिया, 9 के बाद कितनी है, इसको काउंट करें, कितने डिजिट हो रहे हैं, 2 डिजिट। कितने डिजिट हो रहे हैं आपके, ये 2 डिजिट हो रहे हैं, 2 डिजिट हो रहे हैं। तो 9 के बाद हमने क्या कितने जीरो लगा दिए, 2 0। ओके, तो ये आपका था प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन फॉलोइंग नंबर्स। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, एंड देन इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्कशीट दे रही हूँ, आपको सॉल्व करनी है। ये आपकी वर्कशीट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब आपको किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे 3 की। अभी मैंने आपको 9 की बताई, अब आपको 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 डिजिट आपको, 3 नंबर्स दिए हैं, इसकी आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, और फाइंड इसको सॉल्व करने के बाद आपको कॉपी में इसको नोट भी करना। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ 3 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी है, तो 3 कौन सी प्लेस पर है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। मतलब 3 की जो प्लेस वैल्यू कितनी है, 3, 10,000। तो 3 लिखने के बाद उसमें कितनी जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। कितनी जीरो लगा देंगे आप, 4।
और यहाँ पर जो थ्री की प्लेस है वो कौन सी प्लेस है, वंस टेंस, थ्री टेंस प्लेस पे आ रहा है। तो यहाँ थ्री लिखने के बाद कितनी जीरो लगाएंगे, वन जीरो, मतलब कितना हो जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू 30। एंड देन यहाँ थ्री की प्लेस कितनी आएगी आपकी, वन टू थ्री फोर, मतलब थ्री लिखने के बाद आपको कितनी जीरो लिखनी है, फोर जीरो। ओके, तो ये आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करें। थैंक्स।